वेलकम डियर स्टूडेंट टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज की वीडियो में मैं बताता हूँ कि अगर आपने किसी जॉब के लिए ईटा पर अप्लाई किया है, ईटा पर, तो आपने फ़ीस किस तरह जमा करना है अपने मोबाइल से बैंक जाने के बगैर। मतलब यहाँ पे लिखा है कि आप UBL में जमा कर सकते हैं, ओमनी, जास कैश, इजी पैसा, आप इन चार तरीक़ों से जमा कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल में इजी पैसा अकाउंट से ये ईटा चालान का फॉर्म किस तरह वो करोगे, जमा करोगे और आपका फ़ीस जमा हो जाएगा और आपके जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगी मोबाइल से, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। तो इसी पैसा फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंज्यूमर नंबर है ये 4699 88, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह यहाँ से कॉपी कर ले, इसमें गलती ना करें तो आपके पैसे ज़ाया नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मोबाइल में इसी पैसा अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो इजी पैसा अकाउंट अगर नहीं है तो 7786# से भी हो सकता है, लेकिन इजी पैसा अकाउंट से आसानी तरीके से होता है। चलते हैं इजी पैसा अकाउंट में। डियर, ये आपने इजी पैसा अकाउंट खोल दिया, यहाँ पर आप आ गए। तो ये मोर जो नज़र आ रहा है, ये मोर जो थ्री डॉट्स है स्क्रीन पे, ये मोर ये वाला ऑप्शन कर ले, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपने आना है फीस कलेक्शन में, ये फीस कलेक्शन जो बिल्कुल दरमियान में नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर ले, ठीक है। फीस कलेक्शन के बाद आपने यहाँ पे ढूंढना है ईटा, ईटा ये जो नज़र आ रहा है ईटा, अपनी सवारी के नीचे ईटा, ईटा पे आपने क्लिक किया, वो जो कंज्यूमर आईडी मैं बता रहा था वो यहाँ पर लिख ले। अब नेक्स्ट कर ले। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही मैं ये फिंगरप्रिंट लगाऊंगा या यहाँ पर कोड दे दूंगा तो पैसे जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने तो जमा नहीं करने हैं, इस वजह से सिर्फ आपको तरीका बता रहा था। तो यहाँ पर आप अपने इजी पैसा अकाउंट का कोड डालें, आपके पैसे खुद ब खुद जमा हो जाएंगे। और आप फिर ईटा की वेबसाइट पर जाए, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की है, और ईटा की वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पर खुद ब खुद देख लोगे कि फीस वेरीफाइड, ठीक है। Thanks for watching video. Please subscribe our channel for more education videos.